हेलो राम राम जी। और सब कैसे हो? आशा करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। स्वागत है आपका सोनी ब्रिज लाइव यूट्यूब चैनल में। तो आज देखिए सोनी क्या बनाने जा रही है। राम राम माता बहनों सभी को, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ केले की सब्जी। हरे हरे केले लिए हैं और आज इसकी सब्जी बनाएंगे। बहुत दिनों बाद बना रहे हैं, आज काफी टाइम हो गया जब से नहीं खाई हरे केले। और इसमें क्या क्या डलेगा वो अभी समझाइए सोनी जी। ये लहसुन है एक गांठ, तीन प्याज की गांठ है, तीन टमाटर और हरी मिर्च 6-7 और हरे धनिया। चलिए अभी शुरू करते हैं। अभी हमारी मम्मी का भी स्वागत हो चुका है, आ चुकी है छत पे। वे ऐसे लाएंगे को कसम तुम काय पहुंच रही है, तुम कहना रहे थे चली ये क्या हो रहा है? ये तो पूरा लहसुन का छोड़ के इधर आ रहा है छिलका मेरी तरफ। जिन्नी चीवाल छीड़ का दारा है। देवी मैया आओ, आ जाओ देता हूँ कद्दू। सासु का जाऊंगी लक्षण सीख लो, सासु का दूसरे का जानो। तो केले को छीलेंगे हैं हल्के हल्के से। हाँ, नहीं पूरा छिकला, पूरा छिकला। छिकला सहित नहीं बनते हैं? छिकला सहित बन जाते पर ये कारे कारे से खराब है। छिकला हमारे ये खराब निकल रहे हैं ना, ये काले काले हो गए हैं इसीलिए। नहीं तो छुलके सहित ही बना देते, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो छीलने का तरीका, बस ऐसे छील लेंगे। मैं तो सोच रहा था जब लेके आया था मैंने कि ये तो पक्के से लग रहे हैं, लेकिन कच्चे हैं। नित्या आ गई। नित्या, ओ नित्या रानी, नित्या अल्ले तो तुम नियो मग्गा में तो तिज्जे मतो जा जा मग्गा में तो पैसा ना पैसा। इधर हमारी गुड़िया ने लहसुन छील लिया पूरी एक गांठ और प्याज की कटिंग चल रही है। हवा चल रही है, जल्दी जल्दी बना लो सब्जी। आज बहुत ही बढ़िया नई रेसिपी मिलेगी दोस्तों। प्याज एकदम बारीक कटिंग करनी है, देख सकते हो कितनी बढ़िया कटिंग की है। वैसे पीस लेते तो मसाला पिसता नहीं। केला भी खराब निकल जाता है, मैं पहली बार देख रहा हूँ कच्चा केला खराब निकल जाता है। ये देखो ये खराब निकल गया है। केला को छीलते समय लोहे की छुरी पे कितनी काला काला जम गया है। नित्या, ओ नित्या, मैं तुम तो घर छोड़ के जा रहा हूँ। आओ रोटी सब्जी बना लिया करेंगे टाइम से। और अभी इन केलाओं को अच्छी तरह से साफ करेंगे। ये थोड़ा चिपचिपे जैसे लग रहा है। अभी चिपकने चिपकने हो गए सोनी के। और अभी हमारे केले कटिंग हो रहे हैं। दोस्तों कमेंट आते हैं, उसमें भी आ रहे थे कल परसों कि आपकी बेटी हैं दोनों हमारी बेटी मान लो सोनी की बहन की लड़की है ये, और वो हमारे मामा की लड़की, मामा की जो लड़की है उनकी लड़की है, तो हमारी बेटी है। केले को कटिंग करना है, ये साइज रखा है सोनी ने एकदम गोल गोल, इससे रेसिपी भी एकदम मस्त लगेगी। उधर हमारे मसाले भी तैयार हो गए कट के। आज सोनी की मेहनत तो बहुत कम हो गई क्योंकि साथ ही साथ बराबर काम चल रहा है। आज सोनी कहीं घूमने जा रही है जिसकी आपको वीडियो एकदम सेपरेट मिलेगी और बहुत ही मज़ेदार मिलेगी। तो उसको देखने के लिए अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो बाल्टी का डब्बा रखो, उठा ला। सिल पे पीसने की जरूरत ही नहीं रहने दी लाली ने। देखो कि एकदम बीच सोनी तो एक बार मिर्ची को फाड़ दिया है और लाली ने 4 बार फाड़ दिया है, तो एकदम बारीक मिर्ची कटिंग हो गई। ये देखो एक बार उधर से फाड़ दी, फिर दूसरी बार इधर से फाड़ दी। अब एकदम बारीक कटिंग होगी कि नहीं होगी मिर्ची की? तो ऐसे मिर्ची भी कटिंग हो गई। हमारी केला वगैरह कटिंग हो गई, अभी आज जलाते हैं चूल्हे में फटाफट से। और तूने प्लास्टिक जला रही है इसमें? बोड़ेंगे फिर पानी।
दूर आप लास्ट में आंच लगा के ना दूर जी है सांस में नहीं जावे चीनी नुकसान करती चीनी गुड़ बात अलग लगा दो। अभी हम डाले हैं कढ़ाई में तेल, आंच देखो हमारी कितनी बढ़िया जलने लगी। और नित्या रानी देख लो कैसे देख रही हैं, सीख रही हैं। कसियार वाला बेटा कढ़ाई में तेल डाला है 1.5 चम्मच है सोनी, 2 चम्मच दो चम्मच तेल डाला है। हाँ थोड़ा तलने के लिए चाहिए चाहिए। अभी इनको हम तलेंगे, तेल गर्म हो गया। अभी उधर से हवा आ रही थी तो उधर से भी हवा रोक दी। अभी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी सोनी को, और हमारे केले अभी तल रहे हैं। तब तक हम नहा लो। तब तक नहा लें? हाँ। जब हम नहा लेंगे तो जब वीडियो कौन बनाएगा? तुम कितनी टाइम लगेगा? 2 मिनट लगेंगे। इधर देखो सुबह सुबह का नाश्ता चल रहा है बच्चों का, सतुआ घोल ले थी बढ़िया आराम थे। टमाटर भी कट गए, अब पूरा मसाला कट गया है सर, टमाटर कट गए, प्याज कट गई, लहसुन कट गया, मिर्ची कट गई। तब तक सूखा मसाला और अभी बनाते हैं सूखा वाला मसाला। हल्दी पाउडर आधी चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच और आधी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। क्या खाएंगे तुम? अभी देखो केले कैसे हो गए, बहुत बढ़िया लग रहे हैं देखने में, मस्त। हाँ, और कम से कम 60-70% तो सब्जी बन के तैयार इसी में हो जाएगी तलने में। लाली पानी भर के लिए। अभी देखो हमारे केले एकदम फ्राई हो गए, बहुत ही बढ़िया तरह से, इतना मस्त केले हो गए, ये गजब के बहुत ही बढ़िया हो गया। अभी इनकी सब्जी बनेगी इतनी टेस्टी। और अभी तेल गर्म हो गया, अभी डालेंगे लहसुन, जीरा, वो सॉरी जीरा। अब डालेंगे लहसुन, अब डालेंगे प्याज, बच्चा दूध तो रोटी बोटी बनाए वे का सवे नहीं बनाए का डालने इतनी आधी मिनट। अब डालूंगी हरी मिर्ची, थोड़ा सा प्याज कलर दे गई, उसके बाद में हरी मिर्ची। अब डालूंगी मैं सूखा मसाला। कैसे सही थे ना, मैंने गुल पाया ये मसाला है, गोल कर नहीं रखो पानी डाल के, ये वही तो ना गुल पाया। ये देखिए दोस्तों कितनी बढ़िया ग्रेवी बन गई, मस्त। अभी बनेगी, थोड़ा तलने दो। सतुआ घोर गया दोस्तों, सतुआ, ये देखो सतुआ घोर दिया। ये सतुआ के भी कमेंट आ रहे थे सोनी के, सतुआ में क्या क्या डाला है, कैसे बनाया है, इसकी रेसिपी बताइए। तो इसकी रेसिपी भी बताने हैं, बताना है, बताएंगे। हाँ बनाएंगे फिर हम बताएंगे। नाश्ता के लिए सतुआ घुर गया, बस एक कटोरी सतुआ पी लेंगे, पेट में चूहे लौट रहे हैं। क्या डालोगे? टमाटर, अभी बनेगी ग्रेवी। जब टमाटर डल गए आप अच्छे से मसाले को भुनेंगे, और जब तक भुनेंगे जब तक ये अपने आप तेल ना छोड़ने लग जाए। अभी देखो दोस्तों जितना हमारा ग्रेवी है ना और उतना ही ये केला है, तो ये दोनों बराबर रहेंगे तो स्वाद तो अपने आप आएगा ना, ये देख सकते हैं। और जब तक धनिया को भी काट लेते हैं, हमारी दीदी सतुआ खा रही है और हमको भी सतुआ मिल गया दोस्तों, आप भी खा लीजिए ये सतुआ का नाश्ता सुबह सुबह। चीनी को फिर पी रहा है और मौसम तो ऐसे ठंडा हो रहा है, थोड़ा सा पी लेता हूँ, भूख लग रही है जोर से। अब सतुआ पी रहे कौन, टोस्ट खा रहे लाओ, कौन बिस्कुट खा रहे हमने लाओ, और दूध कहाँ जाके संग ले अपने नाश्ता है। अभी देखो हमारा मसाला भी कितना बढ़िया भुन गया, और अभी तेल भी छोड़ने लग गया।
तो अभी हम डालेंगे अपने तले हुए केलाओं को। नहीं रिबटेगा। थोड़ी हवा चल रही है ना, इसलिए दिक्कत हो रही है। अभी अच्छे से मिला लेंगे। देखिए दोस्तों कितनी मस्त लग रही है सब्जी देखने, मुंह में पानी आया। तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलना, लाइक जरूर करना। ये देख सकते हो, ऐसे भी खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम इसमें पानी डालेंगे, क्योंकि हम अपने अपने घर में जैसे जितने सदस्य हैं उसके हिसाब से सब्जी बनाएंगे। और सूखी भी बना सकते हैं, थोड़ा पानी भी डाल के बना सकते हैं। ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बस इतना डालना है कि थोड़ा लिपड़े में रहनी चाहिए सब्जी। और उस सब्जी के भी कमेंट आ रहे थे बैंगन वाली के, कि बैंगन के भरता में पानी कौन डालता है। जी वो बैंगन का भरता नहीं था, बैंगन का भरता टाइप से बनाया था हमने, लेकिन वो सब्जी थी। और वो भी सब्जी बैंगन के भरते से भी ज़्यादा स्वादिष्ट, गजब की, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट थी वो वीडियो। अगर आपने नहीं देखी अभी तक तो वो वीडियो ज़रूर देखना। भून के जो बैंगन बनाए हैं बहुत ही लाजवाब सब्जी है। तो हम ढक के रख दिया है, अभी इसको हम देखते रहेंगे करीब 2-3 मिनट पे। सब्जी कितने टाइम में बनके तैयार हो जाएगी? 15 मिनट में हो जाएगी तैयार। अभी 15-20 मिनट। देखिए दोस्तों ये कितनी बढ़िया सब्जी हो गई हमारी, बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे पकानी है। और सब्जी को आप देख सकते हो कितनी गजब की बनी है। ये देखो, आप इसको एकदम सूखी भी बना सकते हैं। हमने अपने हिसाब से थोड़ा पानी डाला है और देखो बिल्कुल हल्की आंच पे, आंच भुज भी गई, बिल्कुल हल्की आंच पे पकाया है। और अभी डाल रहे हैं धनिया और सब्जी मसाला। दोस्तों अभी खाना पीना खा लिया और बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनी थी, लाजवाब। अभी क्या है ना, रिश्तेदार आ गए शादी का निमंत्रण देने के लिए, तो अभी शादी आ रही है। अभी शादी रिश्तेदार आ गए तो अच्छी बात है, अब शादी आ गई, शादी घुमाएंगे आपको यहाँ से। जा सोनी की सजनी हो गई तो सुन लो। ये इसका आगे वाला जो पार्ट है वो सोनी विलेज लाइफ ब्लॉग चैनल पर डाल दिया है, कल ही डाल दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। सोनी तैयार होके कहाँ गई, क्यों गई, क्या काम था, उसमें पूरा वीडियो बनाया है, जिसपे आप सभी का बहुत सारा प्यार मिला है। तो ये वाला चैनल है, इस पर जाके देखिए। और इसी चैनल के नीचे मिल जाएगा उसका लिंक, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो का लिंक है और चैनल का भी लिंक है। और उस चैनल को भी, सोनी ब्लेज लाइव ब्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और आपको पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करना कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो में, जब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद, वंदे मातरम।